डोंबिवली के दावड़ी गांव में किसानों भूमिहीन करने के षड्यंत्र में एक बड़ी बिल्डर ने रचा है। एकड़ जमीन हड़प कर 500 परिवारों के हक रोजगार छीन जाने की चिंता किसानों को सता रही है। जमीन को अच्छा भाव मिलने से मुंबई के बिल्डर उपनगरों की तरफ रुख कर रहे हैं। सन 1938 ब्रिटिश काल से किसानी कर रहे जमीन पर सरकारी विभागों की मदद से हड़प करने का दाव दावड़ी गांव में शुरू है। जितेंद्र ठाकुर, तुकाराम राघो ठाकुर, नवनीत महत्रे, गुरुनाथ महत्रे, श्रीनाथ महत्रे, महेंद्र महत्रे, संतोष महत्रे, सुभाष महत्रे, राजेश महत्रे, रवि महत्रे आदि किसानों की जमीन है। पूरे जमीन की कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। मानवी कल्याण दिवड़ी कोर्ट में दावा शुरू रहते अवैध रूप से अतिक्रमण करना और किसानों के माल का नुकसान करने का मामला मानपाड़ा पुलिस थाने में दर्ज है, मगर इन किसानों के हक की जमीन प्रकरण में मानपाड़ा पुलिस की भूमिका पर किसानों ने सवाल उठाया है। कारण सर्वे में न होना और इसका मुख्य कारण बताया है शुल्क भर कर प्रोडक्शन मांगा था। शुल्क भरने की तारीख और प्रोडक्शन देने की तारीख में अनियमित दिखाई दिया, जिसकी जांच होने के लिए एक निवेदन मुख्यमंत्री को देने की बात किसानों ने बताया है। मैं गणेश शांतराम म्हात्रे, मैं यहाँ जो शेतकरी भूमि पर निवारण संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ, सर्वपक्षीय संघर्ष समिति संस्था उपाध्यक्ष हूँ और भाजपा कल्याण जिला का माजी उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहोगे सर, काफी यहाँ पे बिल्डर लोगों को जो शेतकारी लोग उनको काफी परेशान किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो यहाँ का जो जमीन जिस बिल्डर अजय आशर बिल्डर ने जमीन जो खरीदी किया है वो ये जमीन मुंबई गौरव विकास सोसाइटी के नाम पे सिर्फ 7 बार है। यहाँ का कब्जा यहाँ के पुरखों से इनका कब्जा है, वो ब्रिटिशों के रास्ते एक कब्जावट है। यहाँ का सरस्वत कुल पे घोषित हुआ है और ये सरस्वत कुल होते हुए भी 7 को धर्मदाय आयुक्त मुंबई का इसने जमीन बेचने का परमिशन लिया और 7/5/2008 को यह खरीदी करके ये 7 बारा इनके नाम पे बनाया। लेकिन यह जमीन उनके कब्जे रहने से वो बिल्डर ये जमीन कब्जा नहीं ले सका, लेकिन उसने 15/11/2016 और 18/11/2016 तक यह जमीन का सर्वे लेने का परमिशन लिया था भूमि अभिलेख कल्याण से। उसने कोशिश किया लेकिन वो सर्वे नहीं कर पाया, पूरा पुलिस बंदोबस्त लाया, मानपड़े का गुंडा लाया तो भी बंदोबस्त नहीं किया। लेकिन 19/11/2016 को जो उसने सर्वे का जो मोजनी किया, उस दिन ना मोजनी की परवानगी ना तत्कालीन डीसीपी डॉक्टर संजीव भाकरे ने दिया था, ना भूमि अभिलेख के उसने चलन भरा था, फी भरा था। लेकिन उसी टाइम पे जो बालासाहेब वानखेड़े जिला भूमि अभिलेख थाना का जो अधीक्षक, उसने एक पत्र देके या मोजनी का ऑफिसियल ऑर्डर ने देखा, अनऑफिशियल ऑर्डर दे दिया। वो अनऑफिशियल ऑर्डर को फॉलोअप किया रमेश पराटकर तालुका भूमि अधीक्षक कल्याण और इसको पुलिस पहुंचो दिया। यहाँ की जो अभी रूलिंग जो यहाँ का पिया है गजानंद काबदुले, इसने पुलिस बंदोबस्त दिया। ये तीनों अधिकारी मिलके आश्रय बिल्डर की सुपारी लेके 19/11/2016 का यहाँ सर्वे करने का कोशिश किया। उस टाइम पे इतना माहौल हुआ था यहाँ के आजू बाजू के सब गांव इकट्ठे होकर बड़ा आंदोलन छेड़ते थे। नेवाले का आंदोलन हुआ वैसा ही आंदोलन होने वाला था, लेकिन मैं हस्तक्षेप करके वो उस दिन सर्वे कैंसिल किया। मैं जब आरटीआई से जब सब जानकारी निकाला तो ये बड़ा घोटाला जमीन घोटाला बाहर निकाला। ये जमीन आज का मार्केट रेट से ये 600 करोड़ की जमीन है। तो हमने मुख्यमंत्री महोदय को मांग की है, अभी जो 14 जिलाधिकारी का मोर्चा निकाला, तहसील कार्यालय के लाक्षण उपोषण करके मुख्यमंत्री को मांग की है का यो जो रमेश पराटकर तालुका भूमि अधीक्षक कल्याण, बालासाहेब वानखेड़े जिला भूमि कल्याण, ये और ये मानपाटे की पी आई रमेश मानपाटे पी आई जो गजानंद काबदुले, ये तीनों को तुरंत बर्तरफ करके इनके ऊपर फौजदारी कार्रवाई करे। और इन यह मामला एक होने से मैसूर का जो अधिकारी है जो तहसीलदार तत्कालीन किरण सुरो से, उन्हें 80 एकड़ का जमीन सुरक्षित कुल 24/4/2016 को बेदखल करके हिंदुस्तान के इतिहास में पहला मैसूर अधिकारी है, यह संविधान को भी कचरे के डब्बे में डाल दिया। लेकिन अभी तक वो उसके ऊपर कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रहा है। बिल्डर का नाम क्या, बिल्डर कहाँ रहता है? ये बिल्डर का नाम है अजय आशर है, रिहर्सल थाना में रहती है।
लेकिन वो बिल्डर ने यहाँ के सब मोहसूल के सब अधिकारी खिसे में डाल के ये जमीन कब्जा करने का कोशिश कर रहे। यहाँ के स्थानीय कामदार का भी इसमें रोल है के, लेकिन वो पर्दे पे नहीं है, लेकिन उसने घर में बोला कि यहाँ के जो जो खेती करते उनको दमदाटी करके आज का आप फैसला करो, नहीं तो मैं ये अंदर का नाम क्या है, अंदर का नाम सुभाष भोरे है। और जो हमारे ये अभी हमारे साथ में जो जितेंद्र ठाकुर है वो मीटिंग में था, वो आपको सब सुनाएगा। यहाँ का लोकल आमदार उनके साथ क्या सलूक किया वो आपको पूरा खुलासा कर देगा। मेरा नाम जितेंद्र गणपत ठाकुर और मैं यहाँ का किसान हूँ और हम लोग यहाँ बाप दादा जी के जमाने से खेती कर रहे हैं। और हमको जब ये बिल्डर ने एक सर्वे बिठाया यहाँ पे तो यहाँ के माननीय आमदार के यहाँ से हमको न्योता आया कि आप मीटिंग के लिए आइए घर पे, तो हम लोग मीटिंग के लिए उनके घर पे गए तो क्या बोले कि ये इसमें आपको समझो आपका जगह है, जो जगह है 12 ये तुम्हारा एकड़ में जगह जाएगा तो हम तुमको गुंठे में 12 गुंठा दे देगा जगह उसके बदले में। लेकिन हम पूछ रहे थे हमारा जगह है तो आप गुंठे में क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने सुना नहीं है। उन्होंने बोला क्या है जो भी फैसला है वो आज बता दो उन आप मेरे को, तो बोला हम लोग तो अभी छोटे दादाजी घर पे है, पिताजी घर पे है, तो उनको बता के आपको हम लोग ये दे देंगे, मैसेज दे देंगे। तो उसके बाद हम लोग इधर आए तो हम लोग को उसके दूसरे दिन से सर्वे ने परेशान कर लिया पुलिस वाले ने से, या बाहर का गुंडा लोगों ने बहुत परेशान किया है। किस तरह आपको धमकी देते हैं? या ये जमीन हमारा है, तुम्हारा इधर कुछ नहीं है, ये जमीन हम लोग खरीदा है। तो हम लोग क्या बोला, जमीन खरीदा है लेकिन हम लोग बेचा नहीं, तो आप खरीदा क्या कैसा? हम लोग यहाँ के संरक्षित कुल है, जो यहाँ जो किसानों के लिए जो कसल त्याची जमीन इस कायदे में जो खेती करेगा उसको ही ये जमीन मिलने का हक रहता है गवर्नमेंट का अपने कायदे से। तो हम लोग यहाँ के किसान होके भी हमको बेदखल करने का ये कोशिश क्यों कर रहा है, और इसके कौन पीछे ये जानकारी कौन कर रहा है, इसका कुछ सुराग लगना मांगता है। हाँ, यहाँ का बिल्डर कौन है जो बिल्डर आपको यहाँ की धमकी देता है? बिल्डर अजय आशर प्रताप है, जतिन देसरिया है। बिल्डर कहाँ रहते हैं? ये शायद थाना में रहते हैं, हमको भी इतना एग्जैक्टली उसका एड्रेस मालूम नहीं है। हम लोग खेती बाड़ी वाले लोग हैं, इतना ध्यान नहीं रख पाते, हम लोग खेती से ही फुर्सत नहीं मिलता। आपको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे आगे? हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो हमको लास्ट में खाली एक सुसाइड करना पड़ेगा सब किसानों को। हम लोग 500-600 परिवार है, हमको सुसाइड के सिवा कुछ नहीं, आत्महत्या के सिवा हमको कुछ नहीं मिलेगा।